हाय एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सितेश का मास्टर ट्रेनर में आपका स्वागत है। मैं सितेश कुमार कुशवाहा फिर आपको बिजनेस मैनेजमेंट के सेकंड पेपर से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड पेपर का पार्ट 4 है, तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 111 है, नियोजित प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना आसान हो जाती है यदि मानकों को पर सेट करें, तो किस पर सेट करें? ए गुणात्मक शर्तों, बी मात्रात्मक शर्तों, सी उपरोक्त में से कोई भी निर्धारित किया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है वो है बी मात्रात्मक शर्तों पर, यानी नियोजित प्रदर्शन के साथ वास्तविक प्रदर्शन की तुलना आसान हो जाती है यदि मानकों को मात्रात्मक शर्तों पर सेट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण का चरण है? ए आवश्यक कर्मियों का आकलन, बी सुधारात्मक कार्यवाही करना, सी पर्यावरण का आकलन, डी अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, तो आपका जो ऑप्शन है सही वह है बी सुधारात्मक कार्यवाही करना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है, कह रहा कि यदि सुनिश्चित करें कि प्रक्रिया है कि वास्तविक परिणाम नियोजित के अनुसार है, ए नियंत्रण, बी समन्वय, डी निर्देशन, सी नियोजन। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि वास्तविक परिणाम नियोजित के अनुसार है। ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। नियंत्रण कार्य किया जाता है, ए शीर्ष स्तर प्रबंधन, बी निचले स्तर प्रबंधन, सी मध्य स्तर प्रबंधन, डी उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी सभी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 115। एक प्रबंधन के लिए नियंत्रण करते समय फोकस बिंदु है, क्योंकि हर कदम पर नियंत्रण करना संभव नहीं। ए नियंत्रण, बी समन्वय, सी महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण, डी दोनों ए और बी। तो आपका जो ऑप्शन वह है सी महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का महत्व नहीं है? ए यह आदेश और अनुशासन सुनिश्चित करता है, बी यह कार्यवाही में समन्वय को प्रतिबंधित करता है, सी यह मानकों की सटीकता का न्याय करने में मदद करता है, डी यह कर्मचारी प्रेरणा में सुधार करता है। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी यह कार्यवाही में समन्वय को प्रतिबंधित करता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। विलियम जी आउची निवासी हैं, ए अमेरिका के, बी जापान के, सी जर्मनी के, डी इंग्लैंड के। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है, ए एच मैस्लो निवासी थे, ए जर्मनी के, बी अमेरिका के, सी फ्रांस के, डी इंग्लैंड के। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। हर्ज बर्ग निवासी हैं, ए जापान के, बी इंग्लैंड के, सी जर्मनी के, डी अमेरिका के। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है डी अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120 है, एक्स तथा वाई के अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ए मैस्लो ने, बी आउची ने, सी हर्जबर्ग ने, डी मैक ग्रेगर ने। तो आपका जो ऑप्शन है डी मैक ग्रेगर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। अभिप्रेरण एक है, ए बाहरी भावना, बी आंतरिक भावना, सी ये दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है बी आंतरिक भावना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122 है, अगला क्वेश्चन नंबर 122। प्रेरणा, ए उत्पादकता बढ़ाता है, बी उत्पादकता कम करता है, सी उत्पादकता को प्रभावित नहीं करता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए उत्पादकता बढ़ाता है, प्रेरणा जो है उत्पादकता बढ़ाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है, अनुपस्थिति पर अभिप्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है? ए वृद्धि, बी कमी,
सी निरंतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी कमी। अनुपस्थिति पर अभिप्रेरणा का प्रभाव जो पड़ता है कैसा, तो कमी, ठीक है, यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, कर्मचारी टर्नओवर पर प्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है, ए वृद्धि, बी कमी, सी निरंतर, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी कमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, संघ ए प्रेरणा का स्वागत करता है, बी प्रेरणा का विरोध करता है, सी उदासीन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी प्रेरणा का विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, प्रेरणा का औद्योगिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ए अच्छा, बी बुरा, सी कोई प्रभाव नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो सही ऑप्शन वह है ए अच्छा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, प्रयास पर प्रेरणा का प्रभाव, ए अनुकूल, बी प्रतिकूल, सी कोई आकस्मिक संबंध नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी कोई आकस्मिक संबंध नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128 है, कह रहा है प्रेरणा के प्रति कर्मचारी का रवैया क्या है, ए अनुकूल, बी प्रतिकूल, सी प्रबंधन की अखंडता पर संदेह, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी प्रबंधन की अखंडता पर संदेह, प्रबंधन की अखंडता पर संदेह। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 129 है, कह रहा है विभिन्न कर्मचारियों पर प्रेरण का प्रभाव है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है बी अलग, विभिन्न कर्मचारियों पर प्रेरणा का प्रभाव है अलग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 है, लाभ बंटवारे के रूप में प्रेरणा उत्पन्न करती है, ए खुशी की भावना, बी निराशा की भावना, सी अपनेपन की भावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी अपनेपन की भावना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है, अभिप्रेरणा नहीं है, ए एक जटिल प्रक्रिया, बी संतुष्टि से संबंधित, सी एक आसान प्रक्रिया, डी एक लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी एक आसान प्रक्रिया, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया है, ए मैस्लो, बी फ्योल, सी टेलर, डी क्विटज। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए मैस्लो, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन आत्मविश्वास की आवश्यकता, आत्मविकास की आवश्यकता की परिभाषा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मविकास की आवश्यकता की परिभाषा है, ए राष्ट्र न्यूनतम मजदूरी, बी अपनेपन की भावना, सी सुरक्षित महसूस करना, डी किसी की अंतरम इच्छा को प्राप्त करना। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी किसी की अंतरम इच्छा को प्राप्त करना, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, इस हक को लगता है कि उसकी मेहनत को कभी पहचाना नहीं गया, इस हक को लगता है कि उसकी मेहनत को कभी पहचाना नहीं गया, किस स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो रही है, ए आत्मसम्मान, बी सामाजिक, सी आत्मविकास, डी शारीरिक। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है आत्मसम्मान, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 है, लोगों को लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है, ए संचार, बी प्रेरणा, सी निर्देशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी प्रेरणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहा कि सुभी को अपने विषय में असाधारण अच्छे बोर्ड परिणाम के लिए अपने स्कूल प्रबंधन से एक विशेष सोने का सिक्का मिला, मास्लो की आवश्यकता वंशानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सुभी की पूर्ति की आवश्यकता की पहचान करें, ए समान आवश्यकताएं, बी संबंधित जरूरतें, सी आत्मविकास आवश्यकताएं, डी शारीरिक आवश्यकताएं। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए समान आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय प्रोत्साहन है, ए मान्यता, बी अनुलाभ, सी सेवानिवृत्ति लाभ, डी स्टॉक विकल्प। तो आपका जो ऑप्शन वह है ए मान्यता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से
कौन एक वित्तीय प्रोत्साहन नहीं है? ए बोनस, बी भविष्य निधि, सी सह साझेदारी, डी चुनौतीपूर्ण नौकरी। तो आपका जो सेफ सर्व है डी चुनौतीपूर्ण नौकरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। माशलो द्वारा पहचानी गई निम्न में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? ए स्वच्छता, बी सम्मान, सी आत्मविश्वास्तविकता, डी सामाजिक। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए स्वच्छता, ए वाला ऑप्शन आपका सही है स्वच्छता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। हर्जबर्ग के द्विघटक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक है? ए वेतन, बी मान्यता, सी दूसरों के साथ संबंध, डी पर्यवेक्षण की गुणवत्ता। तो आपका जो सेप्शन वह है बी मान्यता, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। पार्कर अपनी नौकरी खोने से चिंतित है, किस स्तर की आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं हो रही है? तो ए आत्मसम्मान, बी सामाजिक, सी सुरक्षा, डी आत्मविकास। तो आपका जो सेप्शन वह है सी सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 है। कह रहा निम्नलिखित में से किसका उपयोग मासलो का आत्मसम्मान की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है? ए कर्मचारियों को काम पर मुफ्त नाश्ता प्रदान करें, बी प्रत्येक शुक्रवार को एक रेस्तरा में कर्मचारियों के दोपहर के भोजन का आयोजन करें, सी सप्ताह के कर्मचारी पुरस्कार का परिचय दें, डी लचीले कामकाजी घंटों का परिचय दें ताकि कर्मचारी अपना कार्य दिवस बाद में शुरू कर सके। तो आपका जो सही ऑप्शन है सी सप्ताह के कर्मचारी पुरस्कार का परिचय दें, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 है। करें निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा की अवधारणा है? ए प्रक्रिया अवधारणा, बी मनोवैज्ञानिक अवधारणा, सी मानव संतुष्टि अवधारणा, डी ये सभी। तो आपका जो सही ऑप्शन है डी ये सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। करें प्रेरणा की प्रक्रिया का सही क्रम है, ए मकसद लक्ष्य व्यवहार प्रतिक्रिया, बी मकसद व्यवहार लक्ष्य प्रतिक्रिया, सी मकसद प्रतिक्रिया व्यवहार लक्ष्य, डी व्यवहार मकसद लक्ष्य प्रक्रिया। तो आपका जो सही ऑप्शन है बी मकसद व्यवहार लक्ष्य प्रक्रिया, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। प्रेरणा की प्रक्रिया को पहला कदम है, प्रेरणा की प्रक्रिया में पहला कदम है ए मकसद, बी प्रतिक्रिया, सी लक्ष्य, डी व्यवहार। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए मकसद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। कह रहा सामाजिक आवश्यकता की संतुष्टि को जन्म देती है, ए सुरक्षा, बी एस्टीम, सी शारीरिक आवश्यकता, डी आत्मविकास। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी एस्टीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147 है। सुरक्षा आवश्यकता की संतुष्टि आवश्यकता को जन्म देती है, सुरक्षा आवश्यकता की संतुष्टि आवश्यकता को जन्म देती है, ए सामाजिक, बी समान, सी शारीरिक, डी आत्म विकास। तो आपका जो सही ऑप्शन है ए सामाजिक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 148 है। थ्योरी जेड किसने तैयार किया? ए विलियम ओची, बी हर्जबर्ग, सी अब्राहम मास्लो, डी गलस मैक ग्रेगोरो। तो आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए विलियम ओची। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 है। कह रहा है कि अधिकांश व्यवसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है, यह कथन है? ए कुटुज ओडोनेल, बी पीटर एफ ड्रकर, सी जॉर्ज और टेरी, डी मूने एवं रेले। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी पीटर एफ ड्रकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है। लिकर्ट की प्रबंध प्रणालियां हैं ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है ए 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है। नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है, ए टिड, बी बर्नार्ड, सी मैक ग्रेगर, डी टेरी। फिर देखते हैं क्वेश्चन। नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किया है, ए टिड, बी बर्नार्ड, सी मैक ग्रेगर, डी टेरी। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी मैक ग्रेगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152 है। लिकर्ट ने अपने प्रबंध संबंधी शोध कार्य में चरों
को सम्मिलित किया है, तो ए है 4, बी 5, सी 6, डी 7। आपका जो सही ऑप्शन है वह है डी 7। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 153 है, एक नेता अपने के कारण नेतृत्व करता है, तो किसके कारण एक नेता अपने के कारण नेतृत्व करता है, ए शक्ति, बी अधिकार, सी प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी प्रभाव, एक नेता अपने प्रभाव के कारण नेतृत्व करता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, नेतृत्व है ए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, बी एक महत्वहीन प्रक्रिया, सी एक सतत प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी एक सतत प्रक्रिया, नेतृत्व जो है एक सतत प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, अनुयायी नेता का अनुसरण करते हैं क्योंकि ए उनकी शक्ति, बी उनके अधिकार, सी उनके प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी उनके प्रभाव, उनके प्रभाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156 है, एक नेता है ए एक औपचारिक नेता, बी एक अनौपचारिक नेता, सी एक स्वयंभू नेता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है बी एक अनौपचारिक नेता, एक अनौपचारिक नेता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, एक प्रबंधक है ए एक अनौपचारिक नेता, बी एक औपचारिक नेता, सी एक स्वयंभू नेता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी एक औपचारिक नेता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, एक नेता ए अपने अनुयायियों को धक्का देता है, बी अपने अनुयायियों को खींचता है, सी अपने अनुयायियों को आकर्षित करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी अपने अनुयायियों को आकर्षित करता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, लोकप्रियता का मतलब यह है ए प्रबंधकीय, बी नेतृत्व, सी स्टेट्समैनशिप, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है बी नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 है, एक नेता के पास है ए अधीनस्थ, बी वरिष्ठ, सी अनुयायी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन वह है सी अनुयायी, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है।